भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम बनने जा रहे हैं, ऐसे में इनको लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। आपके हर सवालों का जवाब, अलग अलग एंगल से हर जानकारी आप तक लगातार एबीपी लाइव पहुंचा रहा है। और अभी हमारे हाथ में ये जो कागज आप देख रहे हैं, ये है भजन लाल शर्मा का हलफनामा। इसे कई लोग चुनावी कुंडली भी कहते हैं। जब भी चुनाव लड़ना होता है तो एक हलफनामा चुनाव आयोग को देना होता है कि भाई हमारे पास इतनी संपत्ति है। तो ये हलफनामा हमारे हाथ में है और ये कागज बताएगा कि भजन लाल जी के पास कितने पैसे हैं, कितनी जमीन है, उनके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इसके हिसाब से भजन लाल शर्मा के अगर नेटवर्क की बात करें तो ये भी करोड़पति हैं और इनके पास कुल 1,46,56,666 रुपए की संपत्ति है, जबकि इनके ऊपर देनदारी भी 35 लाख रुपए की, यानी 35 लाख रुपए के इन्होंने कर्ज लिया है। विधानसभा चुनाव में दिए गए संपत्ति के ब्यौरे से संबंधित हलफनामे के मुताबिक राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा की कुल नेटवर्थ में से 1,15,000 रुपए उनके पास कैश है, जबकि अलग अलग बैंक अकाउंट में उन्होंने करीब 11 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। वही उनकी पत्नी के पास पत्नी के नाम पर 1.5 लाख रुपए नगदी। भजन लाल शर्मा के पास 3 तोला सोना है जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए है। उन्होंने शेयर बॉन्ड्स में कोई निवेश नहीं किया है, लेकिन इनके पास LIC और HDFC लाइफ के 2 इंश्योरेंस पॉलिसियां भी हैं जिसकी कीमत 2,83,817 रुपए है। इसके अलावा अगर उनके पास वाहनों की बात करें तो नए सीएम जो चुने गए हैं भजन लाल जी, उनके नाम पर एक टाटा सफारी एक गाड़ी है जिसकी कीमत हलफनामे के मुताबिक 5 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा उनके पास एक बाइक है जिसकी कीमत इस हलफनामे के मुताबिक 35,000 रुपए बताई गई है। अब अगर बात करें उनके अचल संपत्तियों के बारे में, अचल संपत्ति क्या होती है पहले आप ये जान लीजिए। एक जगह से दूसरी जगह जिस संपत्ति को आप नहीं लेकर जा सकते जैसे कि जमीन मकान, इसे आप अचल संपत्ति कहते हैं। तो उनके पास भरतपुर में 0.035 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। वहीं सीएम के नाम पर राजस्थान के भरतपुर में ही 2 घर और 1 फ्लैट भी है। हलफनामे में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। उनके नाम पर कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, यानी कोई ऐसी जमीन नहीं है जो कृषि योग्य ना हो। उनके खिलाफ IPC की धाराओं के तहत 2 कानूनी मामले भी दर्ज हैं जो कि लंबित हैं। एक मामले में उनके ऊपर धारा 353 लगाई गई है जो कि एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल से संबंधित है। और जो दूसरा मामला दर्ज है उसमें IPC की धारा 149 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो गैर कानूनी सभा करने से जुड़ा हुआ है। तो ये है आपके मुख्यमंत्री से जुड़ी जानकारी। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने नए मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।